आज की वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको अपने कोरोना के सर्टिफिकेट को स्मार्ट कार्ड में बदलना चाहते हैं और उसको जो है यह करना नहीं होता है कि किस तरीके से अपने कोरोना सर्टिफिकेट को स्मार्ट कार्ड में कैसे बदलेंगे। स्वागत, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। बेल के बटन प्रेस करने से आपको ये होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, तो इस बेल के बटन को प्रेस करना आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा कि किस तरीके से अगर आपके पास कोरोना का सर्टिफिकेट है उसको आप किस तरीके से स्मार्ट कार्ड में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, कैसे उसको बदलेंगे। इसके लिए आपको जो है कहीं साइबर कैफे या दुकान वाले के पास जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर अगर आप यही काम करवाने जाइएगा तो वहाँ पर आपको जो है 100 रुपीज़ ले लेगा, इससे कम तो लेगा भी नहीं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा किस तरीके से आप घर बैठे ये काम खुद से ही कर सकते हैं अगर आपके पास जो है कोरोना सर्टिफिकेट है तो उसको जो है आप कैसे स्मार्ट कार्ड में कैसे बदलेंगे। जैसे जो है आप आधार कार्ड को जो लेमिनेट कराते हैं आगे पीछे का, तो इसी तरीके से मैं आपको कोरोना सर्टिफिकेट को ये करके बताऊँगा किस तरीके से आप कोरोना सर्टिफिकेट को आगे पीछे, जैसे आप आधार कार्ड को करवाते हैं लेमिनेट, उसी तरीके से जो है आप कोरोना सर्टिफिकेट को आगे पीछे लेमिनेट कराएंगे और उसको जो है आप कहीं भी लेके जा सकते हैं। आप आधार कार्ड को लेके कहीं जाते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप ये बताऊंगा किस तरीके से आप कोरोना सर्टिफिकेट को स्मार्ट कार्ड में कैसे बदलेंगे, वो भी खुद से बिना कहीं भाग दौड़ किए, बिना किसी को पैसा दिए, बिना साइबर कैफे, बिना दुकान में जाए। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप सब कुछ सीख पाएंगे किस तरीके से आप कोरोना सर्टिफिकेट को स्मार्ट कार्ड में कैसे बदलेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपके पास कोरोना सर्टिफिकेट है तो उसको आप कैसे स्मार्ट कार्ड में कैसे बदलेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर देखिए कोरोना सर्टिफिकेट है, मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है मेरा कोरोना सर्टिफिकेट है। अब क्या करना है, पहले आपको इसको टू पार्ट में आपको कर लेना है। तो यहाँ पर क्रॉप वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्रॉप वाला पे क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक करते हैं तो आपको क्या करना है, पहले जो है इस पार्ट को जो है आप कट करके अलग कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप कट करके अलग कर लीजिए। चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो अगर ये जो है देखिए येलो वाला ऑप्शन, अगर इसको हटाना चाहते हैं थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, ये जो है हट जाएगा इस तरीके से। यहाँ सेव एक कॉपी वाले पे क्लिक कीजिएगा और आप जो है इसको अपने डेस्कटॉप पे कुछ भी नाम डाल के अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए। जैसे मेरे देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप है और यहाँ पे मैं कुछ भी नाम डाल दिया, इसके बाद यहाँ पे सेव वाले में क्लिक करूँगा, ये जो है मेरे डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप कट वाले पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देखिए आ चुका है। अब फिर से इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है फिर से आपको क्या करना है, क्रॉप वाले पर जाना है। क्रॉप वाले पर जाने के बाद जो है आपको फिर से क्या करना है, इस पार्ट को आपको क्रॉप कर लेना है, मतलब कट कर लेना है और इसको जो आप बराबर इस तरीके से कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद क्या करना है, यहाँ सेव एक कॉपी वाले पर क्लिक करके इसको आप सेव कर लीजिए। यहाँ पे आप कुछ भी नाम डाल दीजिए, यहाँ पे आप जो भी नाम डालना है डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए डेस्कटॉप है, इसको आप चूज कर लीजिए और सेव वाले पे क्लिक कर दीजिए तो आपका जो है ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा। चलिए मैं आपको कट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ चुका है फर्स्ट वाला और यहाँ पर आ चुका है सेकेंड वाला, मतलब नीचे वाला ये ऊपर वाला। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है केजीएम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, तो इसको आप ओपन कीजिएगा। ओपन होने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरीके से इसका ये जो है यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है जो भी जो आप पिक वहाँ पे जो कट करके रखे हैं उसको आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो यहाँ जाइएगा आप ये वाला ऑप्शन पे और यहाँ से आपको फाइल को जो है यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर फोटो को जो कट करके रखा हूँ तो मैं ये फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये फोटो को मैं इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर ओपन वाले में क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए कि आप जो भी फोटो है ये आ चुका है। अब सबसे पहले क्या करना है, यहाँ आउटपुट फोल्डर है, इसमें जो है आपको एक फोल्डर को पहले इसमें जो है इंसर्ट कर लेना है, क्योंकि आप इसको जो भी जो है आप कन्वर्ट करेंगे आपको इसी फोल्डर में आकर जो है सेव होगा। चलिए हम यहाँ से एक फोल्डर चूज कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाइएगा और आपके डेस्कटॉप पे जो कोई नया फोल्डर नहीं है तो नया फोल्डर बना लेंगे और उसमें जो आपको यहाँ पे इंसर्ट कर लेना है, या आप जो है कोई नया फोल्डर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप पुराना फोल्डर में ही इसको रख सकते हैं। जैसे मेरे पास देखिए यहाँ राजा के नाम से फोल्डर है, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ सेलेक्ट फोल्डर वाले क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए फोल्डर इंसर्ट हो चुका है। यहाँ पर देखिए कि आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा
तो सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपका यहाँ पे जो है ये पिक आ चुका है। अब यहाँ पे रिसाइज वाले पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो है आपको 571 पिक्सल और यहाँ पे हाइट जो है 270 पिक्सल आपको रहने देना, मतलब ये विड्थ हो गया आपको यहाँ पे देखिए विड्थ और यहाँ पे आपको हाइट, तो जो विड्थ जो है 571 और हाइट जो है इतना आप रहने दीजिएगा। लाइव वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे न्यू रेजुलेशन है, इसमें आपको आके नया साइज जो है आपका हो जाएगा। हम यहाँ पे अप्लाई वाले पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए आपका न्यू रेजुलेशन आपका आ चुका है। इसके बाद यहाँ कंप्रेस वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपका कंप्रेस हो चुका है और ये जो है कंप्रेस होकर न्यू फोल्डर में ही जो राजा राजा नाम से था उसी फोल्डर में चल गया होगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं बैक आऊँगा और बैक आने के बाद यहाँ देखिए राजा राजा का नाम से फोल्डर है, मैं इस पर ओपन करूँगा। ओपन करने का देखिए ये जो है आपका यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो देखिए कितना साइज का है, आपका केबी में भी आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा 58 KB का है और न्यू साइज आपको यहाँ पे आ चुका है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको फिर से जो है वो पिक जो है इसमें इंसर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा और जहाँ भी रख रखे हैं आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ओपन वाले पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपका जो है दूसरा जो है फोल्डर यहाँ पे आ चुका है, इसको आप सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद जो है यही साइज आपको जो है जो नीचे वाला साइज था यही साइज आपको ऊपर वाले में डाल देना है, यहाँ पे विड्थ और यहाँ पे हाइट में। चलिए हम यहाँ पे साइज जो है डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए कि मैंने विड्थ जो है 571 और हाइट जो है 270 डाल दिया हूँ। इसके बाद यहाँ अप्लाई वाले पे क्लिक कीजिएगा, जैसे अप्लाई वाले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए न्यू रेजुलेशन में आपको यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे कंप्रेस वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपका हो चुका है। आपको जो है फिर से जो है राया राया का फोल्डर जो है उसमें आके ये सेव हो गया हुआ। तो चलिए हम यहाँ से मिनिमाइज करके बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद रिफ्रेश कर लीजिएगा और रिफ्रेश करने के बाद यहाँ राजा राया के नाम से फोल्डर है, अब इसको डबल क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए कि आपका जो है यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए मैं ये पहले किया था, ये यहाँ पे आ चुका है और अभी जो किया हूँ ये यहाँ पे आ चुका है। तो इसको जो है आप बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको क्या करेंगे, आप जो है मोबाइल में या आप कोई जो है पेन ड्राइव है उसमें इसको इस तरीके से दोनों को सेलेक्ट कर लेना है और अपने मोबाइल में या आपको पेन ड्राइव उसमें ले जाके आप जो है साइबर कैफे या आप दुकान वाले के पास जाइएगा और वहाँ पर कहिएगा भैया इसको जो है हमें लेमिनेट कर दीजिए, तो ये जो है आपको वहाँ पर लेमिनेट कर देगा और ये आपका जो है स्मार्ट कार्ड है। इस तरीके से ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको जो है आपको वहाँ पर दुकान वाले के पास जाने के बाद ये जो है आपको बहुत ही ईजी तरीके से निकाल करके आपको लेमिनेट करके दे देगा। सो गाइस आप जो है बहुत ही ईजी तरीके से आप जो है कैजियम एप्लीकेशन की हेल्प से आप बहुत ही ईजी तरीके से जो है आप अपने जो कोरोना का सर्टिफिकेट है उसको जो है स्मार्ट कार्ड में है बदल सकते हैं और आपको जो है ये स्मार्ट कार्ड आप कहीं भी लेके जा सकते हैं और वो जो है 101% वैलिड है, क्योंकि जो भैया आपको जो है इतना बड़ा कार्ड को जो है लेके जाने में अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये बहुत बड़ा पेपर हो जाता है, निकालिएगा A4 साइज में तो ये बहुत बड़ा पेपर हो जाता है। इसीलिए गाइस आप जो है इसको स्मार्ट कार्ड में बदल लीजिए। इसको जो है आप जैसे आधार कार्ड को जो पन्ने करवाते हैं मतलब लेमिनेट करवाते हैं उसको आप जो है इस तरह इसको आप करवा लीजिए और इसको आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, बिल्कुल आधार कार्ड की तरह हो जाएगा। जैसे आम आदमी जो है आधार कार्ड को लेमिनेट करा लेते हैं आगे पीछे का, इसी तरीके से आपको आगे में डालना है और पीछे आपका ये रहेगा और इसको जो है आप कहीं भी लेके जा सकते हैं और ये जो है आपका 101% आपका जो है ये वैलिड है। सो गाइस इस तरीके से आप बहुत ही इजी तरीके से आप अपने कोरोना सर्टिफिकेट को स्मार्ट कार्ड में बदल सकते हैं और इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं और इसको आप यूज कर सकते हैं। सो गाइस अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से कोरोना सर्टिफिकेट को स्मार्ट कार्ड में कैसे बदला जाता है बिना कहीं भाग दौड़ किए, बिना किसी को पैसा दिए। सो आई होप कि वीडियो को काफ़ी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।